आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एकमात्र सरल सत्य प्रमाणिक चैनल पे। इस दुनिया में सबसे अगर कोई चीज़ सरल है तो वह सिर्फ सच ही है। सच रहना, सच बोलना, सत्य के मार्ग पर चलना, शिवत्व की ऊर्जा को जानना बहुत सरल काम है। उसी सत्य की ऊर्जा से, परम शिव की ऊर्जा से मैं आपको बताता हूँ कि आपके जीवन में जो भी कमी है या फिर जो भी दुख तकलीफ है उसे आप इस शिव अर्थात परम सत्य की वाइब्रेशन से, महाशिव महाकाल उसके एनर्जी से आप अपने जीवन के हर एक आयाम, हर एक पहलू को पूर्ण रूप से सुधार सकते हैं। तो मैं आज बात करूँगा कि क्यों प्यार में लोग प्यार तो कर लेते हैं लेकिन रिश्ते निभा नहीं पाते हैं। एक पक्ष चाहता भी है मान लो जाए कोई, तो दूसरा पक्ष किसी न किसी कारणवश छोड़ देता है। तो अगर इसके अगर मैं गहराई में देखूं, अगर आप यह मान ले कि हर चीज़ के जिम्मेदार आप हैं तो जीवन जो है बहुत सरल हो जाएगा। और उसके बाद जब यह आप मान लेंगे कि मैं ही जिम्मेदार हूँ तो इसका सल्यूशन कहाँ से निकालूँ, तब आपको रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि शिवत्व की ऊर्जा ही वहाँ से शुरू होती है जब सब बंधन कट जाते हैं। शिव सत्य तक पहुँचने का सिर्फ एक ही मार्ग है, वह खुद ही है। व्यक्ति ही खुद जिम्मेदार है, व्यक्ति खुद से पहुँच सकता है वहाँ। न भाई, न माँ, न बाप, न दोस्त यार, कोई नहीं। क्योंकि शिवत्व की ऊर्जा का अनुभव सिर्फ खुद की आत्मा से ही कर सकते हैं, खुद से ही अनुभव कर सकते हैं, और कोई मार्ग नहीं है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ, रिश्ते में खराबी आ गई है, प्यार में खराबी आ गई है, तो उसे सुधारना बड़े चुटकी के काम है। एक बार बस आप निष्ठावान बन जाइए, एक बार बस आप अडिग हो जाइए, एक बार बस आप यूँ समझ लीजिए हिलना डुलना नहीं है। किसमें? नियम में, शिवत्व के ऊर्जा में, सत्य के वाइब्रेशन में, उस एनर्जी में। फिर देखिए, प्रेमी प्रेमिका को संभाले रखना आपकी छीनी उंगली के काम के बराबर है। क्योंकि वहाँ पे अभी के डेट में व्यक्ति को संभाले रखना तो दूर ऐसा है, स्थिति तलाक, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, यहाँ तक कत्ल और सुसाइड तक पहुँच गया है। संभाले रखना तो बहुत दूर की बात है। और जब मेरे नज़र से देखेंगे, सत्य की नज़र से देखेंगे, शिव की नज़र से देखेंगे, तो छीनी उंगली के बराबर एक हल्का सा फूंक मारने के बराबर है किसी भी रिश्ते को बनाए रखना। तो यहाँ पे खास तौर पे पति पत्नी के लिए बात कर रहा हूँ, या फिर प्रेमी प्रेमिका के लिए अपने रिश्ते को बनाए रखना। सबसे पहले तो यूँ समझिए कि आपको अपने रिश्ते को बनाए रखना है तो ईमानदार होना जरूरी है, अडिग होना जरूरी है, और जिम्मेदारी खुद में ही लेना जरूरी है। जब तक आप नहीं मानेंगे कि हर चीज़ का जड़ आप है, आपके गलती के कारण हुआ है, भले उसे मत बताइए लेकिन मन में जरूर मान लीजिए। उसके बाद आपको बताता हूँ एक साधना, इस मंत्र साधना को हमेशा करना है आपको। ओम क्लीम ओम त्रिम 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 नमः। त्रिम त्रिम जो शब्द है, अलग वाइब्रेशन और एनर्जी पैदा करता है। इसके एनर्जी के फ्लो में, और क्लीम तो बीज मंत्र है, इसके फ्लो में आपके जो प्रेमी प्रेमिका है उसके मन में इस तरह से आप बैठ जाएंगे, जिसे अवचेतन मन कहते हैं, वहाँ तक आपकी पहुँच बन जाएगी। फिर वह आपको कभी अपने दिल से निकाल भी नहीं सकती। प्यार हमेशा बना रहेगा आप